ये आ गया हमारा बच्चा, हमारा एक फैमिली मेंबर आई मैक। लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं और सोचते हैं दिमाग में, काश इस सील को मैं भी खोल पाता। करते हैं ओपन और दिखाते हैं अपना मैजिक का पिटारा। ये लिखा है पहले इसके अंदर, हेलो हेलो। इसमें क्या है? ये खाली है। असली माल कहाँ है? वो है ये। हेलो, ये देखो बुलबुल का बच्चा, कटा हुआ सेब, एप्पल आई मैक 24 इंचेस M1 चिप के साथ और 16 GB रैम जो हमने ये लिया है और 512 SSD के साथ 8 core CPU। और चलिए ओपन करते हैं इसको भी और दिखाते हैं इस बॉक्स में और क्या क्या है। ये देखो जी इसके अंदर क्या क्या है। कीबोर्ड आ गया, कीबोर्ड है और अपने आई मैक के कलर का जो कि पिंक है। ये आ गया, इसके अंदर एक केबल है जो कि सी टाइप है और आईफोन वाली केबल है। ठीक है जी, और देखते हैं इसमें क्या है। ये है पावर केबल इसके अंदर। अब जब मुझे देखना पड़ेगा मेरे कौन से बोर्ड में लगेगी पावर केबल। अच्छी एक सॉलिड एप्पल की रेपुटेशन। आप भी सब जानते हो कि एप्पल से ऊपर कोई भी वीडियो एडिटिंग के लिए इससे अच्छी मशीन नहीं है, सबसे बेस्ट मशीन है ये। कुछ इस टाइप का है, अच्छी क्वालिटी है। ये मैंने आपको बता ही दिया, ये मैंने आपको दिखाई दिया। ये यहाँ से चार्ज होती है और इसके अंदर ये ऑन ऑफ का बटन है। ठीक है जी, तो इसको साइड में रखते हैं पहले एक बार। ये इसके अंदर चूहा, चूहा मतलब कि इसका मैजिक माउस। इसे ओपन करते हैं। इसको पूरा पैक करके भेजा हुआ है और जो कि नीचे से कुछ इस कलर का है, आई मैक कलर का, और ऊपर से है ये वाइट। और इसके अंदर भी ये नीचे ऑन ऑफ का बटन है और यहाँ से ये चार्ज होता है जो कि एक बार चार्ज होने पर लगभग एक महीने तक ये चार्ज रहता है। इसे भी रखते हैं चलो साइड में और निकालते हैं इसके अंदर। ओहो, ये है अब इसका, यहां से इससे कनेक्ट होगा। आई मैक को ऑन करने के लिए जो पावर केबल है वो इसके अंदर लगेगी और जो ये वाली केबल है ये एक मैग्नेटिक केबल है, ये हमारे आई मैक के बैक साइड में लगेगी आके। और चलिए इसको भी साइड में रखते हैं और देखते हैं क्या क्या है। ये है कुछ इसके अंदर, इनकी मैनुअल दे रखी है और ये एक दो प्यारे से ये एप्पल के स्टिकर दे रखे हैं जो कि दो कलर में है। इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो जहाँ आपका मन करता है, लेकिन फिलहाल तो मैं अभी इसको यूज़ नहीं करने वाला। इसको मैं अभी बहुत दिन तक ऐसे ही रख के संभालूंगा, देखूंगा, क्योंकि इसका मज़ा भी बड़ा अलग ही है। ये इसके अंदर दे रखा है फिंगर टच। अगर आपको ऑन ऑफ करना है और लॉक करना है अपना सिस्टम तो आप
अपने थंबनेल से यहाँ से इसको सिस्टम को ऑफ और लॉक कर सकते हो और इसको ऑन भी कर सकते हो यहीं से अपने थंबनेल से। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है इसके अंदर, एक्स्ट्रा आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ और बहुत ही लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट। जब काम करेंगे तो बताएंगे आपको कितना मजा आ रहा है इसमें। जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था उसको करते हैं ओपन। यस, अब करते हैं हम। और भी है क्या की पन्नियां? ओ भाई साहब, साइड में होगी ना, साइड में भी है, ये भी है। चलो जी, इसको भी उतारो। ये माइक है इसके। आपको बताता हूँ थोड़ा इसके बारे में। ये तो है इसका ऑन ऑफ का बटन पीछे बैक साइड के अंदर, और इसके अंदर ये चार सी पोर्ट रखे हैं जो कि दो थंडरबोल्ट हैं और दो नॉर्मल हैं, ठीक है जी। और ये इतना पतला है कि अगर आपको हेडफोन लगाना है तो ये साइड में इसकी जैक दे रखा है हेडफोन लगाने के लिए, और अगर आपके पास ब्लूटूथ वाला हेडफोन है तो आप इसको ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये है माइक, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो दो माइक ये ऊपर और एक माइक इसके बैक साइड के अंदर है, टोटल तीन माइक दे रखे हैं। और आवाज़ जो है इसकी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, मैं आपको आगे आने वाले टाइम में इसका सैंपल दिखाऊंगा। ये इसके अंदर कैमरा दे रखा है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, आपको लाइव बात करनी है किसी से कुछ भी, ये कैमरा सामने, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये देखो लग गई, ये मैग्नेटिक है, ये देखो। इसके अंदर टोटल 6 स्पीकर हैं और अच्छा क्रिस्पी साउंड है, और इनबिल्ट हैं इसमें स्पीकर, और आपको अलग से स्पीकर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और 4.5 के है इसका जो है, ये देखो, नमस्ते और हेलो, ये इसका स्टार्टिंग है। होला साइन लैंग्वेज आएंगे लगता है, हेलो हेलो बॉन्जूर। अबे रोकना पड़ेगा मुझे लगता किसी पे, ये जापानीज़ ये चाइनीज़ आ गया है, ये क्या है, रोकना पड़ेगा लगता किसी पे ना।